हकीकत में जान लेता है तो याद करो भर्तृहरि की वो घटना कि जिसमें भर्तृहरि के पास आया हुआ आम्रफल या अमृत फल घूमते घामते कहां से कहां तक पहुंचा। ये क्या हो रहा, देखिए भली भांति जानना हुआ। जानता तो पहले भी था भर्तृहरि अपनी पत्नी को, लेकिन किसी ने लाकर दिया अमृत फल, उसने दिया अपनी पत्नी को, पत्नी जुड़ी हुई थी महावत से, उसने दिया महावत को फल, महावत जुड़ा हुआ था किसी गणिका या वेश्या से, उसने दिया वेश्या को फल, और वेश्या चूंकि राजा से प्रेम करती थी तो वो वापस आ गया राजा के पास। ये क्या हो रहा है अभी, ये हो रहा है समग्र रूप से जानना, भली भांति जानना, सम्यक रूप से जानना, प्रज्ञापूर्वक जानना। लताड़ा तो पहले भी होगा पत्नी ने कई दफा, पर भर्तृहरि नहीं जगा, क्योंकि तब जानना केवल जानना पहले चरण का ही जानना हो रहा था, लेकिन आज जो जानने को मिला वो प्रज्ञापूर्वक जानने को मिल गया, सम्यक रूप से जानने को मिल गया, परिधि से चार कदम आगे निकलकर जानना हो गया, समग्र रूप से जानना हो गया। तो जब वो अमृत फल आया, उस अमृत फल को देखकर भर्तृहरि की सोई हुई आत्मा जग पड़ी, मोह और विकारों से ग्रस्त आत्मा जग पड़ी, राग और द्वेष में उलझी हुई चेतना उसकी जग पड़ी, और उसने कहा अरे। और तब भर्तृहरि का यह महान श्लोक वैराग्य शतक का पहला श्लोक है, और जिसकी लाइन है कि याम चिंतयामि सततम मई सा विरक्ता, कि जिसके लिए मैं रात दिन इतना तड़फा करता था, मरा करता था, मुझे क्या पता वो मुझसे इतनी विरक्त है, उसको मुझसे कोई पढ़ाई नहीं है, मैं ही रात दिन उसके पीछे पड़ा हुआ था। अर्थात याम चिंतयामि सततम मई सा विरक्ता, ये घटना कब घट पाई, जब आदमी ने समग्र रूप से भली भांति किसी भी चीज को जान लिया। तो जब कोई व्यक्ति अपनी प्रकृति जिसका उदय और विलय हो रहा है, अगर अपन लोग उसको भी भली भांति अगर अपन लोग जानने लग जाते हैं, तो याद रखो हमारे द्वारा जाना गया भली भांति ज्ञान बोध यही कहलाता है संप्रज्ञान, और इसी से ही हमारे लिए मुक्ति का रास्ता खुलता है। तो जैसे एक सुथार औजार चलाता है ना, तो भली भांति जानता है, जैसे एक व्यक्ति चलाता है कार तो भली भांति जानता है, एक व्यक्ति करता है भोजन तो भली भांति भोजन कर रहा होता है, ऐसे ही एक साधक जो अपने भीतर अपनी अनुपश्यना कर रहा है, अर्थात अपने आप का प्रत्यक्ष अनुभव कर रहा है, भीतर में जो भी प्रकृति उदय और विलय हो रही है, अपनी उस हर प्रकृति के उदय और विलय की सच्चाई का पल पल जो दर्शन कर रहा है, ऐसे लोगों के भीतर ही अनासक्ति का फूल खिलता है, ऐसे लोगों के भीतर ही बुद्धत्व का कमल खिलता है। इसी तरीके से ही अब तक अनगिनत लोग तीर्थंकर हुए हैं, और अनगिनत लोग इसी तरीके से ही बुद्ध बने हैं, जिन्होंने पल पल अपने सत्य को समझा है और जाना है यह है, जो भी है पर यह है। इसी से ही मैं टूटता है, मेरे का भाव टूटता है, इसी से ही बुद्धत्व का कमल खिलता है। एक बार आदमी जान ले, भलीभांति जान ले, अनुपश्यना के हजार तरीके होते हैं, हो हजार तरीके, खाना खाते हैं उसकी भी अनुपश्यना करो, सुबह लैट्रिन जाओ तो उस लैट्रिन की भी अनुपश्यना करो, तो यह है। खाना खाया वो क्या था, उदय, और खाना जो हमने खाया अगले दिन सुबह जो हम लैट्रिन गए वो क्या था, विलय, तो भली भांति उस विलय को भी जानो और समझो, तो यह है, कोई आरोपण नहीं, तो यह है। वो क्या है, खुद हमारी बुद्धि हमारी अनुभूति खुद पकड़ रही है, खुद जान रही है, तो यह है। और जैसे ही हम उसको समझने लगेंगे, जानने लगेंगे, अपने आप भोजन के प्रति रहने वाली आसक्ति लिप्सा तृष्णा अपने आप हमारी कम होने लग जाएगी। वरना क्या किसी की आज तक कम हुई है क्या, 80 साल का डोकरा भी खाने पीने के लिए मचलता है, और ज्यादा चाहिए उसको तो नए नए टेस्ट, 70 साल के
इंसान को भी तीसरी शादी हो जाए तो भी वो तैयार हो जाता है। अर्थात इंसान का मन अतृप्त रहता है। तृप्त कब होगा, अनासक्ति कब आएगी, वीत राग दशा कब आएगी, वीत द्वेष वीत मोह दशा कब आएगी, तब आएगी जब अपन लोग उस सच्चाई से वाकिफ होंगे। जो हमारे भीतर उदय हो रहा है उसकी सच्चाई से वाकिफ होंगे। इसलिए उदय होना महत्वपूर्ण नहीं है, उस उदय के प्रति रहने वाली हमारी सचेतनता, उसके विलय के प्रति रहने वाली हमारी सचेतनता, वो महत्वपूर्ण है। अपन लोगों ने वो कहानी सुन रखी होगी कि जिस कहानी में बताते हैं कि एक राजकुमार बीमार हो गया तो राजा रानी राजपुरोहित सारे उनके पास बैठे हुए थे और डॉक्टर उनके लिए जवाब भी दे चुके हैं कि राजकुमार को अब दुनिया की कोई भी औषधि बचा नहीं सकती, ये कभी भी किसी भी क्षण जा सकता है, अंतिम सांसें चल रही है। राजा उनके पास बैठा होता है, तीन दिन से तीन रात से वहीं बैठा होता है। सो अचानक बैठे बैठे उसको झपकी लग जाती है और झपकी लगने पर नींद में ही वो एक सपना देखने लगता है और सपने में वो देखता है कि सात सात राजमहल हैं, सात सात राजरानियां हैं, उनके हर रानी से सात सात राजपुत्र हैं, तो उनके साथ ऐश आराम से वो जीता है, सारे राजकुमार उसका सम्मान करते हैं। और इस बार जब राजकुमार खेल कूद करके और वापस अपने राजमहलों की तरफ लौट रहे होते हैं कि तभी राजा उन्हें सामने दिख जाते हैं। वे सारे के सारे राजकुमार अपने अपने घोड़ों से नीचे उतरते हैं और राजा के पांव छूने लगते हैं। राजा प्यार से भर जाता है, प्यार उमड़ आता है, मोहब्बत, आशीर्वाद, दुआएं, दिल में अलग तरह की तमन्नाएं उमड़ आती है। तो राजा आगे हाथ बढ़ाता है और अपने सारे राजकुमारों को गले लगाना चाहता है। तो जैसे ही वो गले लगाता है कि इतने में ही बगल में जो राजकुमार सोया हुआ था वो चल बसता है और राज रानी की चीख निकलती है, बेटा चल बसा। और चीख को सुनते ही राजा की आंख खुल जाती है। कहती है कि राजा की आंख खुल जाती है, राजरानी कहती है तेरा बेटा चल बसा मर गया। वो तो गुमसुम हो जाता है, क्या करे क्या ना करे। उसके सामने दो दृश्य हैं, एक दृश्य सामने पड़ी हुई लाश का और एक दृश्य वो जो उसने अभी अभी देखा था। गुमसुम हो जाता है, कुछ उससे कहते बोलते सुनते कुछ बन नहीं पाता। राजरानी कहती है अरे तूने सुना तेरा बेटा मर गया। हां मां मैंने सुना कि बेटा चल बसा। अरे चल बसा चुपचाप बैठा है, दो आंसू तो ढुलका अपने बेटे के लिए। राजा फिर भी रो नहीं पाता। राजमाता कहती है क्या तू पागल हो गया, विक्षिप्त तो हो गया, तेरा बेटा चल बसा रहे अपने लिए नहीं लोगों को दिखाने के लिए रो दे। ये सुनने पर तो वो राजा हंस पड़ता है, बोले लगता है राजा सचमुच पागल हो गया है। राजा कहता है माते तुम ही बताओ मैं किसके लिए रोऊं और किसके लिए हंसूं। बोले क्यों तू क्या कहना चाहता है। बोले अभी अभी वो जो सात सात राजकुमार थे उनके लिए रोऊं या इस चल बसे राजकुमार के लिए रोऊं। बोले तूने कोई सपना देखा था क्या बेटा। बोले हां मां मैंने एक सपना ही देखा, फर्क केवल इतना है एक बंद आंखों से देखा हुआ सपना था और एक खुली हुई आंखों से देखा गया सपना है, दोनों ही सपना है, संसार एक सपना है। खुल गई आंख, ये जो हुआ यह क्या है अनुपश्यना। ये जो स्थिति है कि जिससे व्यक्ति को जो प्रत्यक्ष अनुभूति हुई, जो संप्रज्ञान हुआ, जो अनुभूति हुई, इसका नाम है अनुपश्यना। कि जिस भी व्यक्ति के भीतर इस सच्चाई से मुलाकात हो जाती है और व्यक्ति जान लेता है तो यह है अनित्यता, यह है अनात्मा, यह है दुख। तो अपने आप ही भीतर में अनासक्ति का फूल खिल ही जाता है अपने आप, बाकी खिलाए नहीं खिलता। आज तक दुनिया में
अनगिनत लोग सन्यासी बन चुके होंगे, पर क्या वो हकीकत में सन्यासी बने थे? क्या कपड़े बदल गए होंगे, महाराज बन गए होंगे, छोड़ छोड़ा के आ भी गए होंगे, पर ये तो ठोस अनुभूति की बात है कि अनासक्ति का फूल भीतर में खिला या नहीं खिला उसकी बात है। तो हम लोगों ने आनापान योग के मर्म को समझा और आनापान योग का अनुभव करते हुए अब हम लोग भीतर उतरते हैं और भीतर में उतरकर तब हम जानते हैं यह काया है 3.5 हाथ का लोक। जैसे ये जो अखिल ब्रह्मांड है ना, ये क्या है? एक लोक है। ऐसे ही हमारा लोक कौन सा है? ये 3.5 हाथ का लोक है हमारा। हमारी काया कितनी है? 3.5 हाथ की। काया कितनी है? 3.5 हाथ की। एक हाथ तो घुटने से नीचे का एक हाथ हो गया, घुटने से ऊपर कमर तक का दूसरा हाथ हो गया, कमर से कंधे तक का तीसरा हाथ हो गया और कंधे से माथे तक का आधा हाथ हो गया। तो ये 3.5 हाथ की कुल मिलाकर ये जो काया है, इस काया रूपी लोक के प्रति हमें जगना होता है, इसकी साधना करनी होती है और इसकी साधना करने के लिए ही श्री भगवान अपनी ओर से सूत्र कहते हैं और वो सूत्र जुड़ा हुआ है एरिया पथ से। बुद्ध कहते हैं कोई चलता हुआ साधक भली प्रकार जानता है कि मैं चलता हूं, ठहरा हुआ भली प्रकार जानता है कि मैं ठहरा हूं, बैठा हुआ भली प्रकार जानता है कि मैं बैठा हूं और लेटा हुआ साधक भली प्रकार जानता है कि मैं लेटा हूं। अनुपश्यना घंटे 2 घंटे के लिए नहीं होती है, 24 घंटे हमारे जीवन की सहचारी बनकर के हमारी अनुपश्यना हुआ करती है। हमें अपने होश और बोध को लेटते हुए भी, बैठते हुए भी, खाते हुए भी, पीते हुए भी, हमें अपने होश को बरकरार रखना होता है, अपना संप्रज्ञान प्राप्त करना होता है और व्यक्ति जान रहा होता है अभी मैं लेट रहा हूं, अभी मैं खा रहा हूं। शायद दुनिया में एकमात्र बुद्ध की ही ऐसी प्रतिमाएं मिलती है जो लेटी हुई अवस्था में भी मिलती है। भगवान विष्णु की जरूर मिलती है कि वो क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के साथ आराम फरमा रहे हैं, पर एकमात्र बुद्ध की ऐसी प्रतिमा मिलती है जिसमें बुद्ध को भी लेटा हुआ दिखाया गया है और वो लेटे हुए भी अनुपश्यना की स्थिति में, लेटे हुए भी ध्यान की स्थिति में है।